लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जया, तुमने जो जो चीज बोली थी ना, मैंने सब डाल दी। अब अगर सब्जी ठीक नहीं बनी तो इसमें मेरी गलती नहीं, तुम्हारी गलती होगी। आप फिक्र मत कीजिए दीदी, सब्जी फर्स्ट क्लास बनेगी। अच्छा, जरा चखे तो बता। आप खुद ही चख लीजिए ना। तू चखना। ठीक है, गरम है। सुपर। थैंकू नहीं दीदी, थैंक यू। अरे वही तो बोल रही हूँ ना, थैंक यू। पता है मास्टर जी जब घर आएंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे कुछ नहीं दीदी, सीधा बेडरूम ले जाएंगे। बेशरम। जया की बच्ची। अरे गलती आपकी है और आप बोलते बच्चे की गलती है। अरे देखिए बच्चे की टांग से खून निकल रहा है, इसे हॉस्पिटल। ओ बाबू साहब, अब माफ कर दो भाई। गाड़ी आप चला रहे हैं, लोन्ट्री का बोर्ड नहीं दिखा दिया आपको। भाई गलती हो गई, माफ कर दो। अरे काहे की, कोई माफिया भी नहीं चलेगी, आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। क्यों टेढ़ा होता है भाई, छोटी सी बात है, माफ कर दे। आपको ये छोटी सी बात लगती है? अरे बच्चे की जान जा सकती थी, उसकी टांग टूट सकती है, आपको छोटी सी बात लगती है? चलिए नीचे उतरिए। अरे नीचे उतरिए, आप नीचे उतरिए। ठीक हो? मैं ठीक हूँ सर। तुम जया को संभालो, मैं आता हूँ। सर एक तो एक्सीडेंट के ऊपर से लड़ाई झगड़े पे उतर आए, ये देखिए। ये क्या दादागिरी है? हाँ, एंट्री में कैसा आया? तो बोल दिया बाबू को, गलती हो गई, माफी मांग ली, अब क्या? अंदर क्या है? ए, अंदर क्या है? आम है। आम? सरस्वती जल्दी से नाश्ता लाओ, बहुत भूख लगी है। ला रही हूँ। अरे ऐसा क्या बना रही हो जो इतनी देर कर रही हो? आज बहुत कुछ बनाया है मैंने, आलू के पराठे, हलवा, पूरी, छना और आम। वाह वाह वाह, ये आपके लिए नहीं है? सिर्फ ऑमलेट मेरे लिए, बाकी सब किसके लिए? अपनी छोटी बहन के लिए। तुम्हारी छोटी बहन? वो कब पैदा हुई? अरे कल, जिसने मुझे बचाने के लिए अपना सर फुड़वा लिया था, वो जया। आप नाश्ता कीजिए, तब तक मैं उसे खिला कर आती हूँ। देख रही हो दादी माँ, धीरे धीरे वो लड़की मेरी बीवी से अपनी दोस्ती बढ़ा रही है। अब क्या करूँ, इस लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ आइडिया दो दादी माँ, कुछ आइडिया दो। अरे इतना क्या सोच रही हो दादी माँ, सोचने सोचने में तो तुम्हारे पोते का बसा बसा घर उजड़ जाएगा। गुड मॉर्निंग अजय बाबू। बड़े हैंडसम दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है शर्मा जी, आज बड़े अच्छे सुर में बात कर रहे हैं आप। वो क्या है, मेरे स्कूटर का पिछला टायर पंचर हो गया, इसलिए सोचा आज आपके साथ बैठ। ठहरिए, आपका पिछला टायर पंचर है लेकिन मेरी पिछली सीट पर सिर्फ औरत बैठ सकती है। कोई बात नहीं, मैं लिफ्ट के लिए औरत भी बन सकता हूँ। तुम ठहरो, मैं तुम्हारी भाभी की नायलॉन की साड़ी पहनकर आता। मैंने औरत की बात की है, छक्के की नहीं। क्या मतलब? मतलब ये शर्मा जी कि मेरी पिछली सीट पर सिर्फ मेरी औरत बैठ सकती है, ओनली माई वाइफ। आप बस में क्यों नहीं बैठ कर जाते? बस बस बस, मैं बस में बैठ कर जाऊं या खड़ा होकर जाऊं, मुझे आपके कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है।
मुझे भी पता है, एक रुपए का टिकट खर्च करूंगा तो बस में आराम से 10 औरतों के धक्के खाते हुए जाऊंगा। बड़े स्कूटर वाले, रुकिए रुकिए, तो जया को साथ लेते जाइए, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल छोड़ दीजिएगा। सरस्वती मुझे वैसे ही देर हो रही है, ये ऑटो में बैठकर चली जाएगी। आप भी कमाल की बात करते हैं, अस्पताल रास्ते में ही तो है, छोड़ देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, अभी कहाँ ऑटो ढूंढेगी। चल बैठ जाए, लो अब इधर उधर क्या देख रहे हैं, अब देर नहीं हो रही है, जाइए। टाटा टाटा। ए जरा ठीक से पकड़ के बैठ जा वरना गिर जाएगी। ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। ठीक से ही तो बैठी हूँ। हाथ निकालो कमर से, हाथ निकालो। हाथ कैसे निकालूं, गिर जाऊंगी तो। ओह माय गॉड, रुकिए रुकिए, हम कहते हैं जरा रुकिए। अजय बाबू, इस रोमांटिक पोज में कैन यू गिव मी सम आइडिया, ये कौन है? वो क्या है? बस बस बस, सवाल का जवाब दीजिए, कौन है ये? वो क्या, क्या हो गया आपको, आप मुझे नहीं जानते? मैं तुमको जानता हूँ जया, पर तुम इनको नहीं जानती। जानती हो अभी इन्होंने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? यही कि स्कूटर की पिछली सीट पर ये सिर्फ अपनी पत्नी को बिठाते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये किसी और को नहीं बिठाते, ये इनका असूल है। अजय बाबू, अब आपका असूल क्या कहता है, जया आपकी पत्नी है या इसकी शक्ल देखकर आपने अपना असूल बदल दिया है? आप चुप क्यों है सर, जवाब दीजिए ना। तुम चुप रहो, देखिए शर्मा जी। बस बस, वंडरफुल एक्टिंग बंद कीजिए, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है। वैसे हमारा कैलकुलेशन भी यही कहता है। जया, मंगलसूत्र मुबारक हो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, बाय बाय। हरामजादे, मैं तुझे तेरे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा, तुझ जैसे देशद्रोही के हाथों अपने देश को बर्बाद नहीं होने दूंगा। राम सिंह, यस सर, गेट वाले को रिलीव करो। ओके सर। पता नहीं सर, क्या मनहूस जमाना आ गया है। सर, कोई सोच सकता था हमारे देश में ऐसे भी दिन आएंगे? क्या बात है सर, ये टेलीग्राम किसका है? अपनी जया का है। उसके पिता मिलिट्री में थे, टेररिस्ट को रोकते रोकते शहीद हो गए। उनकी हाई कमांड ने कहा कि जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक जया को यहीं रखा जाए, वहां न भेजा जाए। सर, वो वापस जाएगी भी कहां, उसका इस दुनिया में उसके पिता के अलावा और कोई था भी नहीं। अरे शकुन, अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे लाल। हम जरा जल्दी में हैं, पान किसी और से मंगवा लो। अरे पान नहीं चाहिए, हम तो तुमसे ये पूछ रहे थे कि हमारे इलाके में कोई अनाथ आश्रम है क्या? हाँ, आपको अनाथ आश्रम की जरूरत काहे को पड़ गई? घर छोड़कर वहाँ काहे जा रहे हो? मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, जया के लिए चाहिए। बेचारी अनाथ हो गई है ना, जब उसका बाप जिंदा था तो रेगुलरली किराया आता रहता था,
लेकिन जब से उसकी छुट्टी हुई है मेरे किराए की भी छुट्टी हो गई है। इसलिए हमारा कैलकुलेशन कहता है कि बेचारी को अनाथ आश्रम में भर्ती करा दे, दूसरे अनाथों की कंपनी में कुछ रहेगी। तुम्हारा कैलकुलेशन क्या कहता है? हमारा कैलकुलेशन ये कहता है कि हम तुमको जितना कमीना समझते थे तुम उससे दुई कदम आगे हो। चुप रहिए और हाथ हटाइए। अरे ये दुख का समय जब वो बेचारी को तो हर मदद का जरूरत है, तुम कुछ रुपयों के लिए उसे अपने घर से निकाल रहे हो, अनाथ आश्रम भेज रहे हो। हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि तुम्हें जल्दी अनाथ बनाए और फिर हम तुमको लेके जाएंगे अनाथ आश्रम जबरदस्ती कुत्ते की तरह पीटते हुए। शगुन, छोडूंगा नहीं मैं तुझको। तेरे को भी अनाथ ना बनाया तो मेरा नाम पानी पूरी नहीं। जया किसी अनाथ आश्रम में रहने जा रही है। किसी में क्यों, वहाँ क्यों नहीं जा? तुम थी वहाँ, तुम्हारी जान पहचान भी है, वो लोग ज्यादा ख्याल रखेंगे उसका। कैसे इंसान है आप? आपके सीने में दिल है या नहीं? एक ऐसी लड़की जो बचपन से आज तक रानियों की तरह रही है, अचानक पिता के मरने के बाद अनाथ हो गई, अनाथ आश्रम में रहने की बात कर रही है और आपके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। सरस्वती, दूसरों की मुसीबत हम अपने सर पर क्यों मोल लें? अजीब बात करते हैं आप। जया तो मेरी बहन जैसी है, मतलब आपकी साली जैसी हुई ना। और आप तो उसकी टीचर भी रह चुके हैं। हमारे घर में रहेगी, हमारे घर से ज्यादा अच्छी जगह उसके लिए और कौन सी हो सकती है बताइए? हमारे घर में एक तो कुंवारी लड़की, ऊपर से जवान भी, हमारे घर में कैसे रह सकती वो? मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ हो। सुना तुमने? अरे उसे भी हमारे घर में रहना पसंद नहीं है। उसको मनाना मेरा काम है, पहले आप बताइए, आपको तो कोई एतराज नहीं है? एतराज होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत सारी वजह बताने पड़ेंगी। मेरी तरफ से वो खुशी से रह सकती है, मुझे क्या। थैंक यू। देखा जया तुम्हारे जीजा जी ने क्या कहा, चल अंदर। इस तरह फेंकने से क्या ये चलने लग जाएगा? उल्टा और खराब हो जाएगा ना। अरे मेरी किस्मत ही खराब है, कितने प्यार से ये कैसेट लाया था, सोचा था रात भर बैठकर गाना सुनूंगा, पर ये कैसेट प्लेयर ही नहीं चल रहा। मगर मैं भी हार नहीं मानूंगा, चाहे सारी रात बीत जाए इसे ठीक करके मैं गाना सुनकर ही रहूंगा। क्यों जी, जो इसमें बजेगा वही गाना कहलाएगा? अगर मैं गाना गाऊंगी तो वो गाना नहीं होगा क्या? सरस्वती ये क्या सुन रहा हूँ मैं, तुम्हें गाना आता है? तो और क्या, मुझे तो यूं ही समझ रखा है। पता है जब हमारे आश्रम में कोई बड़ा आदमी आता था तो सब लोग मुझे ही गाने के लिए कहते थे। अच्छा? अरे इतनी बड़ी बात तुम सुहागरात के दिन ही बता देती तो तुम्हारा कुछ जाता? आपने पूछा ही नहीं, मैं कैसे बताती? ओह करेक्ट करेक्ट, अब जो मुझे पता चल गया है तो जल्दी से एक अच्छा सा गाना सुनाओ। सुनाओ? हाँ। अच्छा। क्या हुआ? दरवाजा खुला है। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। जया बाहर सोई है, मैं नहीं चाहती आपके सिवाय मेरा गाना कोई और सुने। हाँ ये भी ठीक है, ठीक है दरवाजा बंद करके आता हूँ। या चलो अब सुना। नहीं मुझे शर्म आती है। अब किससे शर्म आ रही है? आपसे। अरे दूसरी बातों में तो शर्म नहीं आती, गाना गाने में शर्म आओगी। चलो गाओ। नहीं आप मेरी शक्ल देखेंगे तो मुझसे गाना नहीं गाया जाएगा। आप उस तरफ मुंह करके बैठी है ना। तो फिर तुम्हें मैं गाते हुए देखूंगा कैसे? हाँ गाना देखा थोड़ी जाता है, गाना तो सुना जाता है। मुड़िए ना। अच्छा बाबा ये लो। भगवान भगवान ए दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। भगवान भगवान भगवान। क्या हुआ जी, आपको मेरा गाना पसंद नहीं आया? भगवान के लिए सो जाओ सरस्वती, मुझसे तुम्हारे ये दर्द भरे नाले सुने नहीं जाते, सो जाओ। जया जब मैं अनाथ आश्रम में गाना गाकर सुनाती थी ना तो लोग मेरी कितनी तारीफ करते थे, मगर कल रात मेरा गाना सुनते ही वो सो गए। हो सकता है उन्हें बहुत नींद आ रही हो। नहीं जया, आज सुबह भी ठीक से बात नहीं की उन्होंने मुझसे। मैं तुझे गाना गाकर सुनाती हूँ। हाँ तू सच सच बताना मैंने कैसा गाया। ओके ये पकड़। हाँ
ऐ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नारे, सुन दर्द भरे मेरे नारे, भगवान भगवान भगवान। दीदी आपका गला बहुत अच्छा है लेकिन आपका गाना बहुत ही बकवास है। हा? कोई बात नहीं, जिस तरह मैंने आपको खाना बनाना सिखाया था ना उसी तरह एक हफ्ते में आपको गाना गाना भी सिखा दूंगी। ओके सच्ची? हाँ जया, जया लुका माय हस्बैंड इन बाथरूम बनी केम वी आर पूजा आई गोइंग फ्लावर चुनिंग और कमिंग। हाँ ओके ओके ओके। अरे सरस्वती कहाँ हो तुम? जरा बाथरूम में आना, थोड़ा पीठ पर साबुन लगाना, मेरा पीठ पर हाथ नहीं पहुंच रहा। अरे सरस्वती कहाँ हो, आओ ना। अरे सरस्वती आ गई तुम? अरे खड़ी क्यों, आओ ना लगाओ ना साबुन। अरे ये क्या कर रही हो तुम, ये तो कपड़े धोने का साबुन है, पीठ छिड़ोगी क्या? ये लो ये लगाओ। बीवी का हाथ लगते ही जैसे बदन में बिजली सी दौड़ गई हो। सरस्वती पहली रात को मैं थोड़ी चलबाजी कर गया था ना, पर डोंट वरी अगले एतवार को छुट्टी है ना तो मैं। मगर सरस्वती ये जया जब से घर में आई है ना सारी छुट्टियों का मजा ही किरकिरा हो गया है। तुम कुछ ऐसा नहीं कर सकती कि अगले एतवार को किसी बहाने उसे दो चार घंटे के लिए घर से बाहर भेज दो? हा? अरे सरस्वती तुम चुप क्यों हो, क्या हुआ? आओ ना सरस्वती, सरस्वती आओ ना, आओ ना सरस्वती। किससे पूछ कर तुम मेरे बाथरूम में घुसाई है? और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरे पीठ पर साबुन मलो? ये पसीना क्यों छूट रहा है? पसीना नहीं पानी छूट रहा, मेरा नहा कर आ रहा हूँ ना। हमार पढ़ाई शुरू। चलो आज मैं तुम्हें ऑपोजिट सिखाऊंगा। डे का नाइट, ब्लैक व्हाइट, गर्ल बॉय, अगली पिछली। आई सेड अगली पिछली, आई सेड अगली पिछली। नेक्स्ट लेसन सही जवाब देना। सर किस लिए बना है? जूते खाने के लिए। आँख किस लिए बनी है? मारने के लिए। मुंह किस लिए बना है? हराम का माल चबाने के लिए। उंगली किस लिए बनी है? उंगली सबके सामने ना ही बता सकता। अब तो हर लेसन खत्म, अब हमार प्रेम का लेसन हुआ शुरू। सरस्वती मास्टर जी, सरस्वती मैं आ गया हूँ डार्लिंग। सरस्वती ये क्या आज इतनी जल्दी वापस आ गया? वाइफी 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 ये गजरा और ये जलेबी। क्या हुआ, 16, 17, 18, 19 को बीते हुए तो एक हफ्ता हो गया, अब क्या प्रॉब्लम है? आज मैंने मंगलवार का व्रत रखा है ना इसलिए। तो फिर कल क्या था? देवी माँ का व्रत था। और परसों? संतोषी माँ का व्रत था मेरा। और हफ्ते में कुल 7 दिन होते हैं और तुम उनमें 17 लोगों के व्रत रखती हो। जल्दी ट्यूशन निपटा कर, कितनी उम्मीद लेकर आया था कि तुम, और तुमने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इतने नाराज क्यों होते हो, मैं कोई भागी थोड़ी जा रही हूँ, कल ले आना, कल मेरा कोई व्रत भी नहीं है। अरे कल की नहीं मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ, आज क्या करूँ, क्या करूँ इन जलेबी और गजरे का, लो फेंक दो चूल्हे में। गजरे और जलेबी को चूल्हे में क्यों फेंकते हैं, मुझे दे दो ना, मैंने कोई व्रत व्रत नहीं रखा है। सरस्वती
सरस्वती जरा पानी लाना सरस्वती। सरस्वती जरा खांसी की दवा लाना ग्लाइकोडीन। साहब 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 अरे साहब अरे सरस्वती साहब 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 कुछ नहीं मैं झूठ बोल रहा था। अरे सुनो सच बात यह है सरस्वती मुझे अकेले में नींद नहीं आती सरस्वती मुझे बहुत डर लग रहा है सरस्वती। मैंने कहा ना आज नहीं। जया मैं तुम्हें अकेले में मिलना चाहता हूं कल स्कूल के कंपाउंड के बाहर ठीक 3 बजे। हेलो कैप्टन मैं भोला बोल रहा हूं। हाँ भोला कहो। छोटे की हालत बहुत खराब है उसे यहां से निकालना बहुत ही मुश्किल है लेकिन 2 बातों का मुझे पता चला है। पहली तुम्हारा भाई आज यहाँ एसटी स्कूल रूपनगर के टीचर अजय सक्सेना की वजह से गिरफ्तार हुआ और दूसरी बात उसने वो न्यूक्लियर बॉम्ब कहा। क्या खबर लगी न्यूक्लियर बॉम्ब। हेलो हेलो